आप जिम जाते हो, एक्सरसाइज करते हो और अच्छी डाइट फॉलो करते हो, लेकिन फिर भी स्पर्म्स की रिपोर्ट देखने के बाद आप हैरान हो जाते हो। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसी चीज डिस्कस करने जा रहा हूँ जिसकी वजह से आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे हो। मैं इस वीडियो में कुछ मिथ्स क्लियर करूंगा, क्योंकि जो कपल्स प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं उन्हें तो इसके बारे में जरूर पता होना चाहिए। देखिए, हम ह्यूमंस दो एक्सट्रीम्स में जीते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कि या तो हम एक्सरसाइज ही नहीं करते, और अगर करते हैं तो बहुत ज्यादा ही कर लेते हैं। और क्या आपको पता है कि दोनों ही एक्सट्रीम्स आपके लिए अच्छे नहीं होते और आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। अब चाहे मेल हो या फिर फीमेल, दोनों को ही एक ट्रेन्ड प्रोफेशनल की गाइडेंस में एक्सरसाइज और डाइटिंग करनी चाहिए। और अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हो तब तो ये आपके लिए और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। दरअसल एग्रेसिव एक्सरसाइज करने से मेल का स्पर्म काउंट अफेक्ट होता है, और साथ ही अगर फीमेल एग्रेसिव एक्सरसाइज परफॉर्म करती है तो फीमेल के पीरियड्स भी इरेगुलर हो जाते हैं, जिसकी वजह से फीमेल प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाती। और जो कपल्स एक्सरसाइज ही नहीं परफॉर्म करते उनके साथ भी सेम प्रॉब्लम देखी जाती है। इसके साथ ही जो पुरुष बॉडी बिल्डिंग के लिए यूज करते हैं उनका भी स्पर्म काउंट अफेक्ट होता है और टेस्टोस्टेरोन लेवल भी गिर जाता है, और ये भी प्रेगनेंसी ना ठहरने का एक कारण हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आप भी स्टेरॉइड का यूज करते हो या फिर एग्रेसिव एक्सरसाइज परफॉर्म करते हो तो इन सब प्रैक्टिसेस से आपका स्पर्म काउंट अफेक्ट होता है, और इसलिए ही आप आज से ही ये सब करना बंद कर दें और एक्सरसाइज जैसे कि स्किपिंग, जॉगिंग या फिर कोई और स्पोर्ट्स लिमिट में ही करें। खैर, अगर आप ये जानना चाहते हो कि प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए पुरुष का स्पर्म काउंट और स्पर्म मोटिलिटी कितनी होनी चाहिए तो ये लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देखें।